नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक बर्ड्स में। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीकन लवबर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये अफ्रीकन लवबर्ड की वैरायटी में आता है। ये पीले कलर का जो दिख रहा है, ये लुटिनो ऑफलाइन है, और ग्रीन कलर का है ग्रीन ऑफलाइन। ये पिचपेस वैरायटी में आ जाता है। ऑफलाइन का मतलब ये होता है, जैसे कि जिनके जो बर्ड्स के हेड को पूरा नेक से लेके ऊपर तक रेड कलर रहेगा, उसको ऑफलाइन कहा जाता है। लुटिनो में भी लुटिनो ऑफलाइन आता है, ग्रीन ऑफलाइन आता है। इसमें नॉर्मल लुटिनो पिचपेस भी आता है, नॉर्मल रोजी पिचपेस भी आता है। ये जो सामने जो दिख रहा है, ये रोजी ऑफलाइन है, और ये येलो वाला जो है, ये लुटिनो ऑफलाइन है। तो दोस्तों, आप घर में इसको कैसे रखें, इसका ख्याल कैसे रखें, इनको ब्रीडिंग के लिए कैसे रखें, इनको खाने में क्या दिया जाता है, ये सब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अफ्रीकन लवबर्ड को ज़्यादातर सनफ्लावर सीड्स, धान, कांग, स्प्राउट, वेजिटेरियन, ये सब दिया जाता है। लेकिन इनको एक देने का एक टाइम रहता है। जैसे कि ज़्यादा ठंडी रहेगा, विंटर सीज़न रहेगा, तो इनको वेजिटेरियन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि कोथमीर, धनिया पत्ता, पालक वगैरह, ये सब नहीं दे दो। उससे क्या होगा, तो उससे उनके आईज इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और उनको लूज मोशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उनको विंटर सीजन में जितना हो सके उनको चना भिगो के, रात के टाइम पे उसको भिगो के चने को सुबह में उसको दिया करो, तो उससे बर्ड्स आपके फुल हेल्दी और अच्छे रहेंगे। इनको ब्रीडिंग के लिए ज़्यादातर आप विंटर सीज़न में रखा करिए, क्योंकि गर्मी में आप ब्रीडिंग के लिए रखेंगे तो अफ्रीकन लवबर्ड अंडे हैच नहीं करता है। ज़्यादातर इसको विंटर में रखो, विंटर में आपको अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। विंटर में आप इसको ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग बॉक्स वुडन का ब्रीडिंग बॉक्स, या तो मटका भी लगा सकते हो। दोस्तों, कभी भी अपने कोई भी पेट बर्ड्स को आप ब्रीडिंग के लिए रखते हो, उससे पहले आप उसको एक अच्छे से विटामिन, अच्छे से कैल्शियम, वो सब एक महीना भर पहले दिया करिए, तो उससे आपको ब्रीडिंग का रिजल्ट जो आता है वो अच्छा आएगा। कोई भी आपका अंडा ख़राब नहीं होता उसका, और उससे समझ लो 6 अंडे देते हो, तो उसके 6 अंडे के 6 आपको बच्चे आ जाते हैं। अब विटामिन के हिसाब से आप उसको वाइमरल दे सकते हो, कैल्शियम के हिसाब से आप उसको ऑस्टोवेट दे सकते हो, या तो नॉर्मल कैल्शियम जो कटल बोन आता है वो भी उसको खिला सकते हो। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीकन लवबर्ड लुटिनो ऑफलाइन या रोजी ऑफलाइन के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अफ्रीकन लवबर्ड के बारे में, लुटिनो ऑफलाइन, रोजी ऑफलाइन, आपको कैसी लगी, और आपको नई वीडियो की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बर्ड्स के बारे में कुछ भी जानकारी रहेगी तो कभी भी पूछ सकते हो।